हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शिक्षा। आई एम निखिल पांडे। आज मैं आपके बीच रियल नंबर्स का पार्ट टू लेके आया हूँ, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस टॉपिक पर बेस्ड है। हम ये टॉपिक विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए तो देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? एक्चुअली इसका यूज़ हम एस सी एफ फाइंड करने के लिए करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी एस सी एफ की विधि पिछली क्लासेस में सीखी हैं। एक नई विधि के साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा ने एक अपनी विधि के साथ एक तरीका निकाला एस सी एफ फाइंड करने का, ठीक है? तो जिसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया था, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या दिया था? एक रिलेशन दिया था, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो आर है वो हमेशा क्या होगा, जीरो से। आर क्या है? जीरो से हमेशा क्या होगा, छोटा, जीरो से बड़ा होगा। और जो बी है वो क्या होगा, आर से बड़ा होगा। अब यहाँ पे ए बी क्यू प्लस आर ये सब होता क्या है, ए को हम कहते हैं डिविडेंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभांश। हिंदी में क्या कहते हैं? लाभांश। बी इज कॉल्ड डिवाइजर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाजक। हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। क्यू इज कॉल्ड कोशेंट, क्यू को क्या कहते हैं? कोशेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? भागफल। और आर इज कॉल्ड रिमाइंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं शेषफल। चलिए तो अब एक काम करते हैं, इस रिलेशन को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ए की वैल्यू है हमेशा वो क्या होगी, या तो बी क्यू के बराबर होगी, या फिर ए की वैल्यू जो है वो बी क्यू से बड़ी होगी, बट कभी भी ए की वैल्यू बी क्यू से छोटी नहीं होगी। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 11, अब मुझसे दो टर्म दिए हैं, 11 और 2, है ना? मुझे कहाँ पे रखनी है वैल्यू? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ए और बी। तो रिलेशन क्या दिया था? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या रखूँगा? ए की जगह सबसे बड़ी वैल्यू किसकी में रखूँगा मैं? सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे रखूँगा मैं? ए की जगह पे। तो 11 इक्वल्स टू बी की जगह मैं क्या रखूँगा? 2 रखूँगा। और क्यू की जगह मैं क्या रखूँगा? अब मेरे को इंटू करना है ऐसी कोई वैल्यू जो 11 के आसपास हो, तो 2 5 10, मेरा रिमाइंडर कितना बचा अब? प्लस 1। क्या बचा मेरा रिमाइंडर? प्लस 1। इस तरीके से आपको वैल्यू पुटअप करनी है इक्वेशंस में। ऐसे ही अगर आपसे बोल देता है 10 और 2 दो वैल्यू दी है, इसको इस रिलेशन में रखना हो, तो आप कैसे रखोगे? 10 सबसे बड़ी वैल्यू एक ही जगह पे रखोगे, फिर 2 इंटू 5, 2 5 10, इस बार आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0, क्योंकि आपने क्या किया है इस बार क्या हो गया, आपका पूरा डिविजिबल हो रहा है, पूरा भाग जा रहा है, ठीक है? तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज एक्विलेट एल्गोरिथम टू फाइंड 65 and 117। अब मुझसे ये बोला है इक्विलेट एल्गोरिथम या फिर इक्विलेट प्रमेयिका का यूज़ करके मुझे क्या करना है, इक्विलेट प्रमेयिका का यूज, डिलेमा प्रमेयिका का यूज़ करके क्या करना है मुझे? एससीएफ निकालना है। मुझे क्या करना है? एससीएफ निकालना है 65 और 117 का। तो चलिए समझते हैं इसको। मुझे रिलेशन तो पता है, आपको भी अब रट गया होगा कि ए इक्वल्स टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ए इक्वल्स टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। चलिए तो मेरे पास दो वैल्यू है, कौन कौन सी है? 117, 65। जो वैल्यू सबसे बड़ी उसको मैं कहाँ रखता हूँ? ए की जगह पे, ठीक है? फिर छोटी वैल्यू कहाँ पे रखूँगा? बी की जगह पे 65। अब मैं क्यू की वैल्यू क्या लूँगा? 2 लूँगा, तो क्या हो जाएगा? 65 2 जा 130, जो कि 117 से बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो 117 से छोटी हो, क्यू 117 से उनका जो टोटल है वो छोटा है। तो मैं यहाँ 2 तो ले नहीं सकता, क्या लूँगा? 1। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 65। मुझे कितना बनाना है? 117। तो प्लस क्या करूँगा मैं? 52 लूँगा, है ना? तो मेरा रिलेशन क्या आया? 117 इक्वल्स टू 65 इंटू 1 प्लस 52, ठीक है?
अब जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा, सिंस 117 इज ग्रेटर देन 65, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 117 एंड 65 टू गेट, तो मैंने क्या किया है, डिवीजन लेमा लगाया है। अब डिवीजन लेमा से मुझे क्या मिला, 52 क्या मिला, ऐसा रिमाइंडर मिला, मुझे क्या मिला, ऐसा रिमाइंडर मिला। और 65 मुझे, 65 मेरी काई की वैल्यू थी पहले, बी थी, बट अभी जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिवीजन लेमा मैं लगाता जाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, प्रमेय को बार बार लगाऊंगा, है ना। अब प्रमेय लेकिन लगेगा किस में, अब नई वैल्यूज पे लगेगा। अब 117 वाला तो सॉल्व हो गया, अब जो इक्वली डिवीजन लेमा जो लगेगा वो किस पे लगेगा, 65 और 52 में, किस पे लगेगा, 65 एंड 52 में, है ना। सिंस 52 इज ग्रेटर देन 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 65 एंड 52। तो अभी क्या है, 52 जो है रिमाइंडर है वो क्या, 0 से बड़ा है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम इक्वली डिवीजन लेमा लगाते जाएंगे। तो अब हम किस पे लगाएंगे, 65 और किस में लगाएंगे, 52 पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, 65 और 52 पे। चलिए तो लगाते हैं, चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ और 65 52 पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक। चलिए 65 इक्वल्स टू 52, अब ए की वैल्यू 65 52 में वैल्यू कौन सी बड़ी थी, 65 बड़ी थी, है ना। बी की वैल्यू क्या लूँगा मैं, 52 लूँगा, तो 52 इंटू 1 प्लस, चलिए 52 इंटू 2 क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि 104 होगा वो बड़ी हो जाएगी इससे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 1 ही लूँगा। अब मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 13, कितना बचा मेरा रिमाइंडर, 13। अभी भी ये रिमाइंडर 0 से क्या है, बड़ा है, अभी भी रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, क्या है हमारा रिमाइंडर अभी, 13। तो अब मुझे क्या इक्वली डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा, हाँ जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, है ना। तो आप पिछली स्लाइड में जाके देख लीजिए, 65 इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 52 और 13। अभी हमने किस पे लगाया था, 65 और 52 में, अभी भी मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। तो अब मैं डिवीजन लेमा कहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, 52 और 13 में लगाऊंगा, किस में लगाऊंगा अब मैं, है ना। जब तक मुझे 0 नहीं मिलेगा मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करता जाऊंगा। अब मेरे लिए ए की वैल्यू क्या होगी, 52, और बी की वैल्यू क्या होगी, 13। तो अब इसमें हम डिवीजन लेमा लगाएंगे, ठीक है। तो 52 मुझे क्या वैल्यूज मिली इस बार, अब 52 और 13। चलिए तो 52 को एक ही जगह पे रखेंगे, 13 फोर जा 52 प्लस 0। अब मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। आर की वैल्यू क्या मिल गई, 0। जब मुझे आर की वैल्यू 0 मिल गई तो मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो काम हो गया है वो ख़त्म हो गया है, है ना। मतलब अब मुझे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो डिवीजन लेमा, तो मुझे अब आगे क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, SCF फाइंड करना था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। तो 65 117 के बीच में मुझे क्या करना था, SCF फाइंड करना। तो सबसे पहले डिजिट क्या थी, 170, जिसे मैंने ए की जगह पे रखा, है ना। बी की जगह पे क्या रखूँगा, 65 इंटू 1 प्लस 52। अब यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, 65, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 52। याद रखिएगा, ये वैल्यू लेनी है और ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। फिर 65 ले लिया, 52 इसको लेके सॉल्व करा, इसको लेके सॉल्व किया, तो 52 इंटू 1 प्लस 13, यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिला, 13 और 52। तो अब ये वाली वैल्यू मैं उठा लूँगा, है ना, इसको लेके मैंने सॉल्व कर लिया। अभी भी मुझे 0 अभी भी नहीं मिला, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप इसको और इसको लेके सॉल्व करूँगा। तो मैंने क्या किया, 52 लिया, फिर क्या लिया, साथ में 13 इंटू 4। अब मुझे रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल गया, 0, है ना। क्या है ये, 0, है ना। तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो रिमाइंडर है नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। जैसे हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा ये जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाता है, स्टॉप होता है। और हमारे लिए फिर SCF कौन सा बनता है, ये 13, ये जो लास्ट में वैल्यू मिलती है सबसे पहले B की वैल्यू, इस रिलेशन जो मिलती है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, SCF बन जाती है। क्या बन जाती है, SCF बन जाती है। समझ में आया अच्छे से, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आना ही आना है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, 117
और मुझे एक वैल्यू और क्या मिली थी, 65 क्वेश्चन के हिसाब से। तो मुझे किसको लेके, ए मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 117 और 65। तो ए की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, 117, और बी की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, 65। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको रिलेशन में रखते हैं। ठीक, चलिए 117 इक्वल्स टू 65 इंटू 1 प्लस 52। ठीक, तो मेरा रिमाइंडर क्या जीरो के बराबर हुआ, नहीं हुआ। जब तक जीरो नहीं होगा तब तक मैं सॉल्व करूंगा, पर अब नेक्स्ट स्टेप में किसको लेके सॉल्व करूंगा, ये इक्वल टू के बाद की पहली वैल्यू लेके और रिमाइंडर की वैल्यू लेके, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। तो फिर मैं अगला स्टेप सॉल्व करता हूं, तो क्या मिलता है, 65 इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13। मुझे रिमाइंडर जीरो मिला क्या, नहीं मिला। तो अब मैं किसको लेके सॉल्व करूंगा, इक्वल टू टू के बाद की वैल्यू 52 और 13 को लेके। तो 52 को लेके सॉल्व किया तो क्या मिला, 13 इंटू 4, 13 चौको 52 प्लस 0। अब मुझे रिमाइंडर मिल गया तो मेरा प्रोसीजर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा और मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 13, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, चलिए चलते आगे। A sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them in such a way that each stock has the same numbers and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stock for this purpose? Hindi mein bolenge, ek mithai vikreta ke paas 420 kaju ki barfiyan aur 130 badam ki barfiyan hain. Vah inki aisi ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, है ना, तथा यह ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो इधर भी हमें क्या लगाना है, एससीएफ का ही लगाना है, डिलेमा का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वली डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, दूसरा 130 बादाम की बर्फियां हैं। वो उनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है जिससे कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जो ढेरी बनाएगी वो ऐसी ढेरी बनाना चाहती है, ऐसी पंक्ति बनाना चाहती है, लाइन बनाना चाहती है जिसमें जो बर्फियों की जो वैल्यू है, संख्या जो है, वो हमेशा क्या रहे, समान रहे, और ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, और ये सबसे कम स्थान घेर के, मतलब कम से कम स्थान में हमको इनको प्रत्येक ढेरी में समान बर्फियों को जमाना है। चलिए, तो क्लियर डिवीजन लेमा यूज करते हैं। दो वैल्यू कौन कौन सी दी थी, 420 और 130। क्या दी थी, 420 130। सबसे बड़ी वैल्यू को हम एक ही जगह पे रखेंगे, 420 फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3। चलिए, अब यहाँ से क्या समझ में आया, सेकेंड वैल्यू क्या दी है, 130। हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जो 420 के आसपास जाए। तो 130 वन जा 130, 130 टू जा 260, 130 थ्री जा 390, और 134 जा अगर करेंगे तो 520 हो जाएगा। तो हमको वो वैल्यू तो चाहिए नहीं जो 420 से बड़ी हो, हमको वो वैल्यू चाहिए जो उससे छोटी हो। तो 130 इंटू 3 क्या हो गया, 390 तो मिल गया हमें। 420 बनाने में अभी कितना बचा है, 30 बचा है, तो प्लस 30, तो रिमाइंडर कितना आया, 30। चलिए, तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो अगली वैल्यू क्या होगी, 130 और 30 इक्वल टू के बाद की वैल्यू लेनी है, जो कि पहले हमारे लिए क्या रहा है, डिवीजर, और रिमाइंडर की वैल्यू लेनी है। तो 130 इक्वल टू 30 इंटू 4। अब 130 वैल्यू दी है और 30 से इंटू करना है, 30 इंटू कोशेंट इस बार क्या आएगा, 4, क्योंकि 35 जा करेंगे तो 150 हो जाएगा, जो कि बड़ा होगा, तो हम क्या लेंगे, 34 जा 120। 34 जा कितना होता है, 34 जा कितना होता है, 120। अभी 130 बनाने के लिए कितने कम रहे हैं, प्लस 10। ठीक है, चलिए, तो क्या मेरे को मिल गया, क्या मुझे मिल गया, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं मिला। तो अब मेरे लिए वैल्यूज क्या होगी, 10 और 30। अब मेरे लिए वैल्यूज क्या होगी, 10 और 30। तो 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3।
है ना, 30 जैसे आया है और मेरी 10 वैल्यू, 10 से ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 30 मिल जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई किया, अब मुझे रिमाइंडर इस बार कितना मिल गया, 0 मिल गया, इस बार रिमाइंडर कितना मिल गया मुझे, 0। तो इन दोनों का जो एस सी एफ है इस बार 42130 जो लास्ट वैल्यू होती है उसके बाद की डिविजन वैल्यू ले लेते हैं जो कि ये होती है, तो 10 इस तरीके से इसका एस सी एफ क्या आ गया, 10 आ गया। देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी, तो 10-10 के स्टॉक में वो बर्फियों को रखेगा। एक बार और समझा देता हूँ, 420 था मेरे पास तो 130, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास 130 थी, इंटू क्या कर दिया मैंने 3, है ना, 130 इंटू 390 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा अब 420 पहुंचने के लिए, 30। अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो मुझे अगला स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, किसको लेके करूंगा, 130 को लेके और 30 को लेके, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक। तो 130 इक्वल्स टू 30 इंटू क्या करेंगे आप 4, 30 चौको 120, प्लस अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक है। क्या मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, नहीं मिला, अब मैं किन वैल्यू को लेके सॉल्व करूंगा, 30 और 10 को लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं इस स्टेप को फिर से डिलीट कर रहा हूं, इसको यहां देखिएगा आप, ठीक, 30 और 10 मिला था मुझे, 30 तो 10 3 जा 30, अब मेरा ये पूरा भाग चला गया 30 से, है ना, पूरा मल्टीप्लाई हो गया, पूरा डिवाइड हो गया 30, है ना, तो 10 इंटू 3 क्या हो गया, 30 हो गया, तो अब मुझे रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। तो मेरे प्रोसेस इक्वल डिवीजन लेमा की क्या हो जाती है अब खत्म, और जे लास्ट वैल्यू मिलती है 10, है ना, ये मेरा क्या हो जाता है, एस सी एफ। तो इस तरीके से हमारा इक्वल डिवीजन लेमा होता है, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये आज भाग 2 था। तो आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, सो थैंक यू।